हेलो गाइस, तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे आसपास जो सब इमेज वाला एप्लीकेशन होता है, फोटो एडिटिंग वाला, इमेज प्रोसेस करने वाला, तो वो बेसिकली क्या करता है कि किसी भी इमेज को लेता है, मतलब आप यूज़र एज ए यूज़र उसको इमेज देते हो और वो इस इमेज के ऊपर कुछ छेड़खानी करके आपको एक रिजल्ट दिखाता है। आप सोचते हो, वाह बहुत बढ़िया हो गया मेरा इमेज, अब चलो इसको अपना व्हाट्सएप और फेसबुक डीपी में लगा देते हैं, मस्त दिखेगा। लेकिन उसके पीछे राज क्या है, उसका कोडिंग क्या है, एल्गोरिदम क्या है, कैसे वो काम करता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये वाला जो कोडिंग है, ये बेसिकली किसी भी फोटो को रिसाइज करने के लिए और स्केलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कोडिंग फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन लाइन बाई लाइन दैट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो गेट स्टार्टेड। सो अवर कोडिंग पार्ट इज ऑलरेडी ओवर। सो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में है इम्पोर्ट CV2। CV2 इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट यूज टू डू सम टास्क रिगार्डिंग इमेज प्रोसेसिंग। बिकॉज मतलब इन वन वर्ड CV2 इमेज के साथ खिलवाड़ करता है। ओके, सो नाउ CV2.imread। CV2 लाइब्रेरी में इमरीड एक फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन है, जो किसी भी इमेज को रीड करता है, मीन्स किसी भी इमेज को स्कैन कर लेता है। एंड हियर आई हैव प्रोवाइडेड स्क्रीनशॉट 1.jpg। दिस इज द इमेज दैट आई हैव प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट इज CV2.imshow। दिस इमशो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज। इट टेक्स टू पैरामीटर, बेसिकली वन इज ऑरिजिनल इमेज। ऑरिजिनल इमेज मीन्स इट इज द फ्रेम नेम इन विच द इमेज इज बींग डिस्प्लेड, एंड द ऑरिजिनल इमेज फाइल दैट आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड इन इमेज IMG वेरिएबल। एंड नेक्स्ट इज CV2.weight key 0। ये बेसिकली किसी भी इमेज प्रोसेसिंग वाले टास्क के साथ जब हम काम करते हैं तब इस लाइन को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि
ओके, मैं एक फिर से दिखाता हूँ। आउटपुट वगैरह तो मैं तो पहले दिखा ही दिया था कोडिंग के टाइम, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ एक चीज़। सो ये रहा मेरा इमेज, ओके, स्क्रीनशॉट 1.jpg। तो देखिए यहाँ पे मैं ओरिजिनल इमेज जो दिया हूँ ये है फ्रेम नेम, मतलब फ्रेम का जो नेम है एक्चुअली वो होता है वो होता है इसका नाम। और उसके अंदर मैं कंटेंट, इस फ्रेम के अंदर कंटेंट क्या रहेगा, img। व्हाट इज img? img इज द वेरिएबल इन व्हिच आई हैव स्टोर्ड स्क्रीनशॉट 1.jpg। मींस स्क्रीनशॉट 1.jpg का कंटेंट को मैं img वेरिएबल में स्टोर किया हूँ, और उसी img वेरिएबल को मैं शो कर रहा हूँ एक फ्रेम के अंदर जिस फ्रेम का नाम है ओरिजिनल इमेज। सो इट इज द बेसिक फंडा। सो नाउ हाउ टू, नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू रिड्यूस द साइज और इंक्रीज द साइज। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो CV2 हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ए फंक्शन दैट इज रिसाइज फंक्शन। आई हैव टू कॉल दैट फंक्शन ओनली CV2.resize। रिसाइज फंक्शन टेक्स फोर पैरामीटर। वन इज किस इमेज को तुम रिसाइज करना चाहते हो, मतलब अगर तुम उसको उसका साइज इंक्रीज भी करना चाहते हो या डिक्रीज भी करना चाहते हो, किसके साथ तुम खेलना चाहते हो, कौन से इमेज के साथ खेलना चाहते हो, उस इमेज को तो पता करना होगा ना। कि यू कैन कंसीडर दिस रिसाइज फंक्शन एज ए बिल्ट इन एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल इन CV2 फ्रॉम फ्रॉम द बिगिनिंग। हु डिस्कवर दिस लाइब्रेरी और हु डेवलप्ड दिस लाइब्रेरी, दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिसाइज फंक्शन। रिसाइज फंक्शन के अंदर हम दे रहे हैं कि कौन सा इमेज को मैं रिसाइज करना चाहता हूँ, दैट इज माई ओरिजिनल इमेज। एंड नान इज जस्ट ए पैरामीटर, fx 0.75 एंड fy 0.75। नाउ यू माइट थिंक दैट व्हाट इज दैट। सो सपोज देर इज अ ओरिजिनल इमेज एंड यू वॉन्ट टू रिड्यूस द साइज बाई 25%, लाइक सो इन दैट केस 100 माइनस 25 means fx defines the size of x axis and fy defines the size of y axis, means 0.75 is x, 0.75 is y, and I think you can understand what is x axis and y axis in this case is the image boundary, the frame boundary I mean. Okay, so okay, in this line I have already resized the image, and then again it has been stored in a new variable called image img1, and my task is to show that resized image. And as I already told that to show any kind of image library, I will call dot imso function that will take two parameters only. One is the frame name and one is the content of image that I have to show. So here I have provided the name of my frame, that is reduced image, and the content is img1, that is of size 0.75x and 0.75y, and then again cv2.wait key is mandatory for image processing. And in the same way you can increase the size by the factor of that you want. Here I increased the size by 2. Here by 2 I have increased. Here you can provide here any kind of number that you want. Suppose here I provide 1. Okay, let's check. I did not see even what should happen in this case. Okay, let's check again. Okay, so this is original image, this is reduced image, that is of x 0.75 and y is of 0.75 means square. Okay, so here is the third image, that is of fx1, means x axis is of 1 unit, this is x axis, and fy I have provided here is 2, means this is of 2 axis. And you can see from this image that the shape of this image is of a rectangle, right? So this is a basic algorithm that it follows between the application of like square photo. Without cropping your image, it can process the image and
गिव एग्जैक्टली द सेम कॉन्टेंट ऑफ योर ओरिजिनल इमेज, बट द शेप ऑफ दिस इमेज हैज बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग योर प्रेफरेंस।